समय हो गया है आज और अभी की बड़ी खबर का, तो डालते हैं नजर इस बड़ी खबर पर। दिवाली से पहले ही स्थिति दिल्ली की खराब हो चुकी थी, प्रदूषण का स्तर काफी खराब हो गया था। लेकिन बात करें दिल्ली की तो पटाखों का असर साफ तौर पर नजर आया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पीएम 10 और पीएम 2.5 लेवल से 950 तक पहुंच गया। वहीं सुबह होते होते ये आंकड़ा फिर से पहले के स्तर पर आ गया। देर रात तक आईटीओ इलाके में पीएम 10 और पीएम 2.5 का स्तर 900 तक पहुंचा था, वहीं सुबह होते होते 255 पर पहुंचा है। और इसी को लेकर अब प्रदूषण की स्थिति को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी केजरीवाल द्वारा, और बताया जाएगा कि किस तरह से दिवाली खतरनाक हो रही है और हवा का स्तर खराब हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि फटाके का कोई इतिहास नहीं है, चर्चा का विषय बनी हुई है कि फटाकों का इतिहास सिर्फ 19वीं सदी से है, उसके पहले दिवाली पर फटाके नहीं चलाए जाते थे। पर दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी वहां के सीएम के द्वारा, और कई इलाकों में पानी का छिड़काव भी शुरू कर दिया गया है।